हाय एवरीवन, आज मैं लाई हूँ प्याज और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। घर में कोई सब्ज़ी नहीं हो तो इसकी सब्ज़ी बना के आराम से खा सकते हैं। इसकी सब्ज़ी बनाना बहुत ईजी है। प्याज और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिया 3 शिमला मिर्च और कुछ प्याज है। इसे कैसे कट करना है मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले शिमला मिर्च को बीच से कट करके और इसके फिर इसको भी बीच से कट करेंगे दोनों साइड से। और इसका जो ये वाला बीज वाला जो भाग है उसको हमें काट के हटा देना है, उसको हमें इसमें नहीं रखना है। इस तरीके से बीज वाला भाग जो है सभी शिमला मिर्च से हम हटा लेंगे। और हमें कट करना है हमें ये जो शिमला मिर्च है इस तरीके से हमको कट करना है। आप देख लीजिए थोड़े से बड़े बड़े पीसेस रखने हैं इसके। ये शिमला मिर्च छोटा था, इस तरीके से आपको कट करना है शिमला मिर्च को। फिर मैं आपको दूसरा काट के दिखाती हूँ कैसे कट करना है आपको। इसका भी दोनों बीज वाले भाग से कट करेंगे। इसका भी बीज वाला पार्ट को हम काट के हटा देंगे। फिर से इसे हम 3 भाग में कट करेंगे। ऐसे आपको सभी शिमला मिर्च को कट कर लेना। मेरा लास्ट रह गया, इसे भी कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। सारा शिमला मिर्च को मैंने कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो शिमला मिर्च हमने कट कर लिए हैं इसको एक प्लेट में रख रही हूँ, थाली में रख रही हूँ। अब हमें प्याज को कैसे कट करना है वो मैं बताती हूँ। ये मैंने 4 प्याज लिए हैं, इसको भी बीच से ऐसे कट करेंगे। और एक प्याज में 4 भाग बनाएंगे। और हमें ये जो प्याज है इसको ऐसे इसको छुड़ा लेना है एक एक करके। थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीसेस होना चाहिए, इसे हम ग्रेवी में यूज कर लेंगे। बाकी इसको हम इस तरीके से छुड़ा लेंगे प्याज को। जो बहुत छोटा आ रहा है उसको हम ग्रेवी में यूज करेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से सारे प्याज को हम कट कर लेंगे फ्रेंड्स। शिमला मिर्च को मैंने कट कर लिए हैं, प्याज भी कट कर लिए हैं। ग्रेवी बनाने के लिए रफली चॉप किया हुआ प्याज है, थोड़े से अदरक का टुकड़ा है, थोड़े से लहसुन की कलियां हैं और मैंने 2 टमाटर भी कट किए हुए हैं, एक ग्रेवी के लिए है। और थोड़े से मैंने खड़े मसाले लिए हैं जिसमें 1 बड़ी इलायची है, 4 लौंग है, 2 छोटी छोटी दालचीनी है, 2 हरी वाली इलायची है, छोटी वाली इलायची, 1/2 टेबल स्पून जीरा है। इसको ग्रेवी में यूज करते हैं। चलते हैं शिमला मिर्च प्याज की सब्जी बनाने फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं लूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया क्योंकि शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करना है फ्रेंड्स। तेल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को बस थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज। अब दोनों को साथ में फ्राई करेंगे। इस दोनों को हमें इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए, क्रंची इसका टेस्ट क्रंची रहे। इसलिए प्याज और शिमला मिर्च को बस 20% भूनेंगे। हल्का सा भून के फिर फ्राई करके निकाल लेंगे। शिमला मिर्च और प्याज हमारा भून चुका है। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। सिम पैन में मैं लूँगी 2 दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची और 1/2 टेबल स्पून जीरा। जीरा को क्रैकल होने देंगे। जीरा हमारा क्रैकल हो गया है। अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन की कलियाँ, अदरक के पीसेस भी। इन सभी को मैं हल्का सा भूनूँगी, बस थोड़ा सा। अब मैं इसमें डालूँगी सारा प्याज। प्याज को पहले 1 मिनट तक भूनेंगे। प्याज को भूनते भूनते 1 मिनट हो चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर। टमाटर और प्याज को 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे साथ में फ्रेंड्स। देख सकते हैं प्याज और टमाटर कितना सॉफ्ट हो चुका है। 3 से 4 मिनट भी हो चुके हैं और प्याज हमारा ब्राउन ब्राउन सा हो गया है। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे फ्रेंड्स। इसको ठंडा करके पेस्ट बनाना है हमें। पेस्ट बना के मिलती हूँ मैं आपसे फ्रेंड्स। पेस्ट बना कर रेडी कर लिया है। अब मैं सेम पैन में लूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं डालूँगी जो हमने पेस्ट बनाया है, वो सारा पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी। कि मैं जो बचे हुए थे उसको भी मैंने धुल के डाल दिया है। इसको हमें अब अच्छे से फ्राई करना है। अब मैं लूँगी इसमें कुछ मसाले। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर।
इन सभी मसालों को साथ में हम अच्छे से मिलाएंगे और फ्राई करेंगे और इसी टाइम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। मैं मसाला को फ्राई करने में 5 से 6 मिनट लगेगा, तब इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक मसाला हमारा अच्छे से तेल ना छोड़ दे। फ्रेंड्स, मसाला को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मसाला हमारा हल्का हल्का सा डर लगने लगा है, मसाला हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज और शिमला मिर्च, इन दोनों को साथ में कुछ देर भूनूंगी मैं। थोड़ा सा भूनने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें पानी, आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज किया है। फ्रेंड्स, इसमें 1 गिलास पूरा पानी चला जाएगा, मैंने पूरा 1 गिलास पानी डाला है इसमें। इसको ढक के बस 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। मिलते हैं 2 से 3 मिनट बाद। फ्रेंड्स, 3 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं सब्जी का थिकनेस क्या है। ये सब्जी में यही थिकनेस रखना है, क्योंकि शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी में गाढ़ी ग्रेवी ही अच्छी लगती है। अब मैं लास्ट में इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला डाल के बस हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, क्योंकि गरम मसाला डालने के बाद सब्जी को नहीं पकाना चाहिए। और मैं थोड़ा सा इसमें गार्निशिंग के लिए डालूंगी धनिया पत्ता, और फ्लेवर के लिए भी। शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी बन के रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।